बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। षष्ठोध्याय प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री व्यास जी अपने श्रोतागणों से तथा सुजीर्ण सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान नारायण के मुखारविंद से इतनी कथा सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए तथा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मुझे राजा दृढ़ धनवा का संपूर्ण इतिहास सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, गंगा जी के किनारे बसा हुआ हृदय नाम का एक प्रदेश था। उस राज्य में महापराक्रमी सात्विक प्रकृति वाला चित्रधर्मा नाम का राजा राज्य करता था। वह अपनी शक्ति और पराक्रम के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध था। उस राजा को अपनी रानी द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र भी सुंदर शरीर व आकृति वाला, विशाल नेत्रों वाला, सभी गुणों से युक्त था। राजा ने अपने पुत्र का नाम विद्वानों की सम्मति से दृढ़ धनवा रखा। वह पुत्र दिन प्रतिदिन चंद्रकला के समान बढ़ने लगा। बाल्यावस्था व्यतीत होने पर राजा ने पुलय ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेजा। वह बालक अत्यंत प्रखर बुद्धिमान होने से शीघ्र ही राजनीति और 14 विद्याओं में पारंगत हो गया। उसका संपूर्ण शरीर बल सूर्य से परिपूर्ण होकर युवावस्था में प्रवेश किया। विद्याध्ययन पूर्ण होने पर गुरु की आज्ञा से राजपुत्र अपने राज्य में आकर पिता के साथ राज्य कार्य में सहयोग देने लगा। राज्य की समस्त प्रजा से नीति और धर्मपूर्वक व्यवहार करने से वह समस्त प्रजाजनों की प्रशंसा का पात्र बन गया। पिता चित्रधर्मा ने पुत्र को सर्वगुण संबंध देकर पुष्कर राज्य की राजकन्या, जो कि अत्यंत सुंदर सुशील थी, उसके साथ पुत्र दृढ़ धनवा का विवाह बड़े उत्सव के साथ संपन्न कर दिया। विवाह के पश्चात राजा दृढ़ धनवा को 4 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। उनका क्रमशः नामकरण चित्रवाग, चित्रवा, मणिमान और चित्रकुंडल नाम रखा तथा कन्या का नाम चारुमती नाम रखा गया। वे सभी बालक अत्यंत सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त और सर्वगुण संबंध थे। राजा चित्रधर्मा ने अपने पुत्र को सर्व संपन्न और प्रजापालन में कुशल देखकर सांसारिक माया मोह से मन को विरक्त करके परंपरा से चल रही नीति का अनुसरण करना उचित समझा कि अब वृद्धावस्था का समय भगवान की आराधना में लगाकर अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। ऐसा सोचकर पुत्र दृढ़ धनवा को राज तिलक करके राज्य सिंहासन और राज्य का समस्त कार्य सौंपकर पुलय ऋषि के आश्रम में जाकर तपस्या करने लगा। अतः अंतःकरण में अब भगवान का चिंतन करके कठिन तपस्या प्रारंभ की। निंद्रा त्याग कर निराहार रहकर रात दिन भगवान का स्तवन करते रहने से राजा का शरीर अत्यंत कृशवशीन होकर कुछ दिनों में उन्होंने शरीर का त्याग करके उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई। ऋषि के आश्रम में पिता की सदगति का समाचार सुनकर राजा दृढ़ धनवा को दुख और हर्ष दोनों हुए। पितृ भक्त होने से राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से पिता का औदे कर्म श्राद्ध पिंडदान किया था। बहुत द्रव्य स्वर्ण गो आदि वस्तुओं का दान दिया। जिस जाचक की जो इच्छा थी उसकी इच्छा अनुसार हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ, पृथ्वी, द्रव्य आदि देकर सबको प्रसन्न किया। नगर में भोज यज्ञ करके हजारों ब्राह्मण और लाखों प्रजाजनों को उत्तम भोजन करा के संतुष्ट किया। पिता के समस्त और दे कर्म अत्यंत श्रद्धा के सहित संपन्न करके वह राजा दृढ़ धनवा वेद वेदांग में विद्वान, धनुर्विद्या में निपुण, समा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में सागर के समान, विद्वता में ब्रह्मा के समान, उदारता में भगवान शंकर के सदृश, एक पत्नी वरधारी शत्रुओं के समूह को पराजित करता हुआ चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करके अखंड चक्रवर्ती राजा बन गया। सभी राजा उसको अपने राज्य का कर देने लगे। उस राजा दृढ़ धनवा की कीर्ति जैसे आकाश में शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के प्रकाश के समान फैल गई। राज ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। संसार के सभी सुख राजा को प्राप्त हो गए। एक समय राजा रात्रि में शयन कक्ष में जाकर शयन की स्थिति में बिस्तर पर लेटा हुआ मन में विचार करने लगा, मेरा यह अतुल वैभव, अखंड चक्रवर्ती राज्य मुझे कौन से पुण्य से प्राप्त हुआ? मेरा यह भाग्योदय कैसे हुआ? मैंने आज तक न तो तपस्या की, न व्रत उपवास किया, न किसी प्रकार का दान पुण्य या हवन आदि कर्म किया, फिर यह अनंत वैभव, सभी सुख कैसे प्राप्त हुए? यही विचार अंतर मन में बारंबार उत्पन्न होने से राजा को रात भर नींद नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः एक घटी में रात्रि शेष रहने पर संयास छोड़कर राजा उठा। नित्य कर्मों से निपटकर उसने अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों और याचकों को देकर भगवान की वंदना करके चतुरंगनी सेना साथ में लेकर घोड़े पर सवार होकर भयानक जंगल में शिकार करने के लिए चल दिया। जंगल में सेना की हलचल को सुनकर जंगली जानवर, व्याघ्र, हरण आदि इधर से उधर भागने लगे। राजा के तीक्ष्ण बाण और अचूक निशानों से अनेक पशुओं का शिकार करते हुए उसने एक अत्यंत पुष्ट शरीर वाला मृग देखकर उसके पीछे दौड़ा। दौड़ते हुए एक तीक्ष्ण बाण उसके ऊपर चला दिया। बाण तो मृग के शरीर में घुस गया, परंतु फिर भी वह मृग भागता हुआ घोर जंगल में छिप गया। राजा उसका पीछा रक्त की धार से आधार पर करता हुआ जंगल में मृग को ढूंढने लगा, परंतु छिप जाने से राजा को मृग नहीं मिला। राजा
उसकी तलाश में बहुत दूर निकल गया। काफ़ी देर तक इधर उधर घोड़ा दौड़ाने पर भी वह मृग नहीं मिला। राजा भी थककर प्यास के लगने से व्याकुल होकर मध्यान्ह के समय सूर्य के ताप से पीड़ित हो गया। वहाँ न तो राजा का कोई सेवक था जो कि राजा के लिए पानी आदि की व्यवस्था करके राजा को शांति देता। ऐसी अवस्था में राजा भटकता ऐसे स्थान पर पहुंच गया। उसे अत्यंत सुंदर और स्वच्छ जल से भरा हुआ कमल पुष्पों से सुशोभित ऐसा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब को देखकर राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर तालाब के जल को पीकर घोड़े को भी जल पिलाया। पास विशाल वटवृक्ष और उसकी शीतल छायाओं को देखकर थोड़ी देर विश्राम करने के उद्देश्य से घोड़े को वृक्ष की जड़ से बांधकर वृक्ष की शीतल छाया में राजा विश्राम कर रहा था। उसी डाली के ऊपर एक बड़ी आकृति का तोता आकर बैठा और राजा को संबोधित करके कहने लगा कि हे राजन, विद्यामानातुल सुखम आलोक्यातीव भूतले न चिंता यसी तत्त्वम तम तत्कथम पारमेश्यसी। अर्थ, पृथ्वी पर ऐसा अनुपम सुख प्राप्त हुआ परंतु इसके तत्व को आंतरिक मन से विचार करके भवसागर में कैसे पार होगा। इस प्रकार बारंबार इस श्लोक को सुनकर राजा अपने मन में विचार करने लगा, यह तोता मनुष्य की वाणी से मुझे क्या शिक्षा दे रहा है। यह राजा की समझ में नहीं आया। कभी विचार करता कि जैसे राजा परीक्षित भवसागर में डूब रहा था तब उसके उद्धार के लिए व्यासपुत्र श्री सुखदेव ऋषि ने श्री मद्भागवत का ज्ञान देकर उद्धार किया था, उसी प्रकार वही सुखदेव तोते का रूपधर कहीं मेरे उद्धार के लिए तो नहीं आया। राजा के मन में अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे परंतु श्लोक का अर्थ समझ में न आने से राजा बड़ा मानसिक चिंता में घिरा हुआ था। ऐसे समय राजा की चंद्रोगनी सेना वहाँ पहुँच गई। तोता भी वहाँ से उड़कर अदृश्य हो गया। राजा भी अपनी सेना के साथ अपने राजभवन में आ गया परंतु राजा के मन में मस्तिष्क में रात दिन तोते का वही श्लोक गूंजता रहा। उससे राजा की ऐसी अवस्था हो गई कि राजा न तो किसी से बोलता था न किसी की बात का कोई जवाब देता था। खाना पीना निद्रा सबका परित्याग करके एकांत में बैठा रहता था। राजा की ऐसी विषम स्थिति को देखकर उसकी पटरानी को बहुत चिंता उत्पन्न हो गई। एक दिन रानी साहस करके राजा के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप इतने खिन्न क्यों हैं? मुझसे क्या भूल हो गई हो जो आपने खान पान का परित्याग करके मौन धारण कर लिया? आपकी अवस्था देखकर मुझे अत्यंत धारण दुख हो रहा है। इसलिए हे प्राणनाथ, मेरे ऊपर दया करके आप भोजन करिए, प्रसन्न होकर कुछ बात करिए। बारंबार रानी के आग्रह करने पर भी राजा पर कोई असर न होकर राजा उसी प्रकार निचल बैठा रहा। राजा के मन में तोते का कहा हुआ श्लोक ही विचार का कारण बना हुआ रहा। पति की ऐसी अवस्था देखकर रानी बहुत दुखित होकर मछली की तरह तड़पने लगी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। ऐसे ही समय अचानक रामायण ग्रंथ के रचयिता वाल्मीकि ऋषि भ्रमण करते उस राजा के राजमहल में पधारे। दूतों के द्वारा ऋषि का आगमन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे नंगे पैर जल्दी जल्दी मुख्य द्वार पर आकर ऋषि के चरणों में नमस्कार करके आदरपूर्वक महल के भीतर ले जाकर उत्तम सिंहासन पर बैठाकर चरण प्रक्षालन करके अर्घ्य देकर ऋषि का पूजन किया और कहने लगा, हे ऋषिवर, आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया। सारे संसार को अपने तपोबल से पवित्र करने वाले आप जैसे महान ऋषि के आगमन से मैं धन्य हो गया। राजा के ऐसे प्रार्थनीय वचनों को सुनकर ऋषि प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे राजन, मैं तेरे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। संसार में जैसी तेरी प्रसिद्धि थी वैसा ही तू है, परंतु हे राजन, मैं तुझे अत्यंत चिंतातुर देख रहा हूँ। मुझे अपनी चिंता का कारण बता, मैं तेरी समस्त चिंताओं को दूर करूंगा। ऋषि के प्रश्न करने पर राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपके चरणों की कृपा से मुझे सभी सुख प्राप्त हैं। इसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है जो मेरे हृदय में शूल की तरह चुभती रहती है। आप सिर्फ उस शंका का निवारण कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हे ऋषिवर, कुछ दिनों पहले मैं शिकार करने गया था। घने जंगल में घूमता हुआ थक गया था। विश्रांति के लिए मैं एक बड़े वट वृक्ष के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में जिस डाली के नीचे मैं लेटा हुआ था उसी डाली पर एक सुंदर और बड़ी आकृति वाला तोता आकर बैठ गया और बारंबार यह श्लोक मनुष्य की वाणी में मुझे संबोधित करके कहने लगा, हे राजन, विद्यमान अतुल सुख मालोक्यातीव भूतले न चिंतयसि तत्त्वं तं तत्कथं पारमेश्यसि। उस तोते के द्वारा यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उसका अर्थ न समझने के कारण मैं मन से उसी विषय में रात दिन चिंता प्राप्त है। आज मेरे पास आपकी कृपा से इतना बड़ा राज्य है। उत्तम चार पुत्र, एक कन्या है, सुंदर और पतिव्रता पत्नी है, हाथी घोड़ा रत्न आदि अतुल संपत्ति है। ये सब मुझे कौन से पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ? या तोता मुझे क्या उपदेश दे रहा था? इन सब विषयों का विचार करके मुझे विस्तारपूर्वक समझाइए, जिससे मेरे मन की शंका दूर हो जाए। राजा के वचनों को सुनकर वाल्मीकि ऋषि ने
प्रणाम करके अपने आप को ध्यानस्थ किया और एक घटी पर्यंत ध्यानस्थ रहकर राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत का अवलोकन करके राजा से कहने लगे, हे राजन, तेरे सब प्रश्नों का उत्तर तेरे पूर्व जन्म से संबंधित है, इसलिए मैं तेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान लगा कर सुन। तू पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ था, जाति से ब्राह्मण और सुदेव तेरा नाम था, ताम्रपर्णी नदी के किनारे तपोवन में कुटिया बनाकर रहता था, सत्य बोलना, धर्म में लगे रहकर ब्राह्मण के बालकों को वेद की शिक्षा देना यही तुम्हारा दैनिक कर्म था। सद्गुण संपन्न पति परायण गौतमी नाम की तुम्हारी पत्नी थी, वह रात दिन पति की आज्ञा का अनुसरण करती और जैसे पार्वती शंकर जी से प्रेम करती उसी प्रकार का प्रेम उसके अपने पति के प्रति था। इस प्रकार वह ब्राह्मण सुदेव अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। अनेक दिन व्यतीत होने पर उन्हें कोई संतति उत्पन्न होने से ब्राह्मण मन में दुखित रहने लगा। एक समय ब्राह्मण अपने आश्रम में विश्राम कर रहा था और पत्नी उसकी सेवा में लगी हुई और पैर दबा रही थी। तब ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, हे प्रिय, संसार में पुत्र सुख के समान कोई सुख नहीं होता। व्रत, तप, दान, इनका पुण्य तो मनुष्य को परलोक में सुख देता है, परंतु एक सुपुत्र इस लोक में महान सुखदायी होता है, हमको वह भी नहीं प्राप्त हो सका। मुझे तो यह जीवन निष्फल सा प्रतीत हो रहा है। मेरे पुत्र को गोद में नहीं खिलाया, वेदाध्ययन नहीं कराया, मैं कितना भाग्यहीन हूँ। मैं पितृऋण से मुक्त कैसे हो सकूंगा? मेरा यह जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु हो जाए यही मैं चाहता हूँ। पति के ऐसे दुख में वचनों को सुनकर भार्या गौतमी भी अपने मन में दुखित होकर कहती हैं, हे प्राणनाथ, ऐसे अपशब्द मत बोलिए। आप इतने ज्ञानी धर्म के तत्वों को जानने वाले होकर सांसारिक महामोह में क्यों लिप्त होना चाहते हैं? हे स्वामी, मनुष्य के भाग्य में जो सुख नहीं है वह पुत्र प्राप्ति के बाद भी नहीं मिल सकता, बल्कि दुख बढ़ सकता है। पूर्व का इतिहास साक्षी है। राजा अंग भी अपने पुत्र से अत्यंत दुखित होकर रात्रि में जंगल की ओर भाग गए। ऐसे संसार में अनेक प्रसंग घटित हुए हैं, इसलिए पुत्र के द्वारा ही सुख घटित होगा ऐसा सोचना व्यर्थ है। यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा ही है तो सुपुत्र की प्राप्ति के लिए मनोवांछित फल देने वाले ऐसे श्री विष्णु की आराधना उपासना करना चाहिए। पत्नी के वचनों को सुनकर ब्राह्मण के मन को कुछ समाधान हुआ। वह निश्चय करके ताम्रपर्णी नदी में स्नान करके पत्नी के साथ तपस्या में लीन हो गया। अन्न का परित्याग करके सूखे पत्ते खाकर जल पीकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद 4 दिन निरार, 1 दिन आहार, इस प्रकार कुछ दिन के बाद बिल्कुल निराहार रहकर तपस्या करता था। पत्नी भी पति की सेवा करते हुए सहयोग देती थी। इस प्रकार तपस्या करते हुए 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी उग्र तपस्या को देखकर तीनों लोक के प्राणी थराने लगे। भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। आखिर अपने भक्त की मनोकामना के लिए भगवान विष्णु को यहाँ प्रकट होना पड़ा। श्यामल शरीर, चतुर्भुजी स्वरूप, प्रसन्न मुद्रा वाले आराध्य देव भगवान विष्णु को अपने प्रत्यक्ष देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर साष्टांग दंडवत नमस्कार करता हुआ प्रार्थना करता है, हे महाप्रभु, 3 वर्ष जगत का उद्धार करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। मैं दुख रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरे दुख को दूर करिए। ऐसा कहता हुआ स्त्री सहित ब्राह्मण हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा रहा। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार ब्रह्म नारदीय पद्माधारे षष्ठो अध्याय समाप्त। पूर्ण बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।